उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली नगर में चोरी तथा अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए नगर परिषद की ओर से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, लेकिन शहर की निगरानी रखने वाले ये सीसीटीवी कैमरे अब बंद हो चले हैं, जिनकी ओर कोई भी जिम्मेदार अधिकारी कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली नगर में बीते वर्ष पूर्व नगर पालिका परिषद के द्वारा शहर में सतत निगरानी हेतु लाखों रुपए की लागत से लगभग 30 सीसीटीवी कैमरे जगह जगह पर लगवाए गए थे, जिनमें से वर्तमान समय में अधिकांश कैमरे बंद पड़े हुए हैं, जिसकी सूद लेने के लिए कोई भी जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसा मुझे ध्यान है कि पिछले गत वर्षों में यहाँ पे सीसीटीवी का कैमरा का असेंबल हुआ था और करीब एक साल हो गए और नगर में लगभग 20 से 25 कैमरे अभी तक लगे हुए हैं। और कैमरे लगने के साथ साथ मेरे को लगता है कुछ जगह अस्थायी रूप से कैमरे चल रहे हैं, कुछ जगह नहीं चल रहे हैं, कुछ जगह उसकी जूम की प्रॉब्लम है कि जो दिशा है वो कहीं और है, जहाँ होनी चाहिए वहाँ नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि ये नगर पालिका और पुलिस प्रशासन दोनों के समन्वय से कम से कम एक ऐसा निष्कर्ष निकले कि उनका रखरखाव हो, उनका मेंटेनेंस हो, उनकी देखरेख हो, ताकि ये निश्चित रूप से अच्छे प्रभावी ढंग से चल सकें, क्योंकि आज पर्याप्त आबादी है हमारे बिरसिंहपुर में और क्राइम की मात्रा भी काफ़ी फैलती जा रही है। निश्चित रूप से प्रशासन बहुत कम है, अल्प प्रशासन है और कहीं ना कहीं हमको निश्चित रूप से सीसीटीवी की आवश्यकता पड़ती है। अभी पिछले वर्ष में भी एक मंदिर रोड में एक चोरी हुई थी, तो जो जिसका खुलासा केवल और केवल सीसीटीवी के माध्यम से हुआ था, प्रशासन के लिए बहुत ही मददगार सिद्ध होगी और ये सीसीटीवी की अगर ये काफ़ी अच्छे से उसका परिचालन हो सके। और ये तभी हो सकता है जब नगर पालिका और पुलिस प्रशासन दोनों का समन्वय हो, ताकि वो सही स्थान पे लगे, बीच बीच में तीन तीन दो दो महीने में उसका रखरखाव हो, बाकायदा उसका रिकॉर्डिंग हो, और ये तभी संभव है, वरना संभव नहीं। तो मैं जो बंद के कैमरे वैसे सभी चालू हैं, जो बंद कैमरे हैं उनको जल्दी से सुधरवा दिया जाएगा। कितने कैमरे अपने नगर पालिका की तरफ से लगाए? नगर पालिका तरफ से लगभग 35 कैमरे लगे हैं उसमें। जी जी, क्या रख रखाव की क्या कुछ व्यवस्था है उसमें? अब मिस्त्री लगा के रखे, वो मेंटेनेंस करता रहता है, सुधार दे देते हैं। जी जी, कुछ जगहों पर आलम ये देखा गया है कि धागे से बंधा हुआ है कैमरा, उसके लिए क्या कुछ कुछ प्रॉपर तरीके से व्यवस्थित कर। वहीं शहर की तीसरी आंख बंद होने पर शहर भर में चोरियों की वारदातें लगातार बढ़ती ही जा रही है, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन और नगर परिषद कोई भी महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाते दिखाई दे रहे हैं। बीते दिनों जो नगर पालिका के द्वारा सीसी कैमरा लगवाए गए हैं, जो 20-25 लगे हुए हैं, उनमें से तो आधे बंद है, आधे लटक रहे हैं, आधे सुतली से बंधे हुए हैं। कहीं ना कहीं ये नगर पालिका की लापरवाही है, उन्हें वो अच्छे से मेंटेन किया जाना चाहिए, क्योंकि ये नगर के लिए भी सुरक्षित है, कई चोरियां इसे हम पकड़ सकते। देखो, ये कहना सही है कि जहाँ कैमरे रहते हैं वो 24 घंटे निगरानी में रहते हैं, और ऐसी कोई घटना होती है तो उस घटना को ट्रेस करने में हमें सीसीटीवी कैमरा का बहुत बड़ा योगदान रहता है। वैसे ही उसी प्रकार अपने पाली में करीब नगर पालिका की तरफ से 25 कैमरे लगे हुए हैं, जिनमें अभी 8 बंद हैं, उनमें कुछ खराबी है, उसकी सूचना हमने नगर पालिका को भी दे दी है, बता दिया गया है कि उनको कैमरों को जल्दी से ठीक कराएँ। ये बहुत अच्छी जगहों पे लगे हैं, बैंक के आसपास लगे हैं, बस स्टैंड में भी लगे हैं, और ज़्यादा भीड़ वाले जो इलाके हैं वहाँ भी कैमरे लगे हैं, और कुछ कैमरे वहाँ के बंद हैं, उनको अवगत करा कर उनको जल्दी ठीक कराने का प्रयास करेंगे। बहरहाल अब देखना होगा कि जिम्मेदार अधिकारियों की नजर कब तक तीसरी आंख यानी कि इन सीसीटीवी कैमरों पर पड़ेगी और कब तक इन कैमरों का मेंटेनेंस हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, उमरिया।